पवन सिंह का नाम पावर स्टार क्यों पड़ा? जी हाँ, इस बारे में आज हम खुलासा करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं पावर स्टार का तमगा पवन सिंह को क्यों दिया गया। भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को हिट मशीन कहा जाता है तो किसी को जुबली स्टार, लेकिन पावर स्टार को पावर स्टार क्यों कहा जाता है, आज हम आपको अपनी इस स्टोरी में रिवील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि साल था 2016, मौका था ईद का, और उस साल सलमान खान की फिल्म सुल्तान रिलीज़ हो रही थी। जी हाँ, और ऐसे में ही ईद के दिन यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात और मुंबई में अपनी फिल्म गदर को रिलीज़ करने की सोची पवन सिंह ने। जिसने ये सुना, सभी ने पवन सिंह के इस फैसले को बेतुका करार दिया। कहा कि सलमान के सुल्तान के आगे तो गदर पानी भी नहीं भरेगी। और फिर पवन सिंह अपने इस फिल्म के प्रमोशन में जुट गए। ठीक उसी तरह से सलमान खान भी अपने फिल्म के प्रमोशन में जिस तरह से हमेशा जुटते हैं, उस तरह से जुट गए। दोनों ने अपने फिल्म का प्रमोशन किया, और आपको हैरानी होगी कि यूपी बिहार में गदर ने गदर मचाया, तो सलमान की फिल्म ने गदर के जो बिजनेस कलेक्शन थे उस पर कुछ भी असर नहीं डाला। उल्टा पवन की इस फिल्म गदर के कारण सलमान की फिल्म सुल्तान को लॉस जरूर हुआ। कई जगह तो सुल्तान ने खाते तक नहीं खोले, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड में गदर ने वो गदर मचाया जिसकी उम्मीद पवन सिंह को भी नहीं थी। और तब से भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्हें पावर स्टार का दर्जा दिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी पावर इतने बड़े सुपरस्टार के साथ कोई पावर स्टार ही रख सकता है। वैसे आपको बता दे, भले ही ये पहला मौका था पवन ने सलमान के साथ इस तरह से पंगा लिया, लेकिन इसके बाद के सालों में भी पवन ने सलमान को छोड़ा नहीं। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी कि उसके तुरंत बाद, यानी कि 2017 में ट्यूबलाइट रिलीज हुई सलमान की, तो दूसरी तरफ पवन ने अपनी फिल्म चैलेंज रिलीज़ की। और आप सभी को पता है, इसने बॉक्स ऑफिस पर सभी को चारों खाने चित कर दिया। फिर बात आती है 2018 की, जहां पवन की फिल्म वांटेड रिलीज़ हुई, वहीं दूसरी तरफ सलमान की फिल्म रेस 3 रिलीज़ हुई। लेकिन इन दोनों फिल्मों का भी वही हाल हुआ जो कि फिल्म सुल्तान का हुआ था। जी हाँ, एक तरफ जिस तरह से सुल्तान को यूपी, बिहार और झारखंड में मुक्की खानी पड़ी, ठीक उसी तरह से ट्यूबलाइट और रेस 3 का भी यही हाल रहा। और तो और, हद तो तब हो गई कि जब 2019 में फिर पवन और सलमान ईद के मौके पर ही टकराए, और सभी ने ये कहा कि पावर स्टार की दबंगई के आगे लगता है इस बार सलमान खान को घुटने टेक नहीं पड़ेंगे। और हुआ भी यही। 2019 में मैंने उनको सजन चुन लिया रिलीज हुई, तो उसी दिन ईद के मौके पर ही सलमान की रिलीज हुई फिल्म भारत। जी हाँ, भारत के ट्रेलर को जिसने भी देखा था, फिर सभी ने ये कहा कि सलमान से इस बार टक्कर ना लें। लेकिन पवन सिंह जानते थे कि उनकी ऑडियंस उन्हें कभी निराश नहीं करेगी, और पवन ने अपनी वो फिल्म रिलीज़ भी की। भारत का क्या हाल हुआ सभी जानते हैं, और पवन की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन किया, साथ ही इसके सॉन्ग ने तो गदर भी मचा दी थी। आप क्या कहेंगे इस बारे में, और पावर स्टार के नाम पावर स्टार कैसे पड़ा, ये हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।